नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका प्रकाश टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्माइल चौधरी और वक्त हो चला है आज की कुछ अहम खबरों का। येदियुरप्पा ने की इस्तीफे की पेशकश, खराब सेहत का दिया हवाला। शरद पवार की मोदी से मुलाकात, कांग्रेस एनसीपी में मनमुटाव के खबरों के बीच पीएम मोदी से मिले शरद पवार, एक घंटे तक अकेले में हुई बातचीत। यूजीसी का एकेडमिक कैलेंडर जारी, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में 1 अगस्त से शुरू होंगे एडमिशन, 1 अक्टूबर से नया सेशन। चंडीगढ़ में भाजपा के काफिले पर हमला, किसानों ने मेयर रविकांत शर्मा और वरिष्ठ नेता संजय टंडन की गाड़ियों के शीशे तोड़े, डंडे, ईंट और पत्थर मारे। पीजीए चंडीगढ़ के डॉक्टरों का सुझाव, बच्चों को कोरोना होने के 3 महीने बाद कराएं टीकाकरण। हरीश रावत से मुलाकात के बाद कांग्रेस हाईकमान पर कैप्टन का बड़ा बयान, आलाकमान का फैसला मानने को तैयार हुए कैप्टन। सिद्धू का मंत्रियों से मुलाकात का सिलसिला जारी। लुधियाना में सांसद बिट्टू ने जिला विकास तालमेल और निगरान कमेटी की समीक्षा बैठक की, बोले विकास कार्यों में तेजी लाए अधिकारी। सोनीपत में पुलिस की बड़ी कामयाबी, इको वैन में पिस्तौल समेत वाहन चोर को पकड़ा गया, आरोपी ने कबूली 40 वारदातें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा में इसी महीने हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। सीएम जयराम बोले, शिमला मनाली में बड़ी पर्यटकों की संख्या, पुलिस पूरी तरह मुस्तैद। भूकंप हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में मध्य तीव्रता से झटके, जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं। पानी को तरस रही दिल्ली की सड़कों पर उठी सियासी लहरें, कांग्रेस भाजपा का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, परीक्षण के बिना बच्चों को कोरोना का टीका लगाना विनाशकारी होगा। आज के लिए बस इतना ही, ऐसे कुछ अहम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए अर्थ प्रकाश के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।